हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेजिटेरियन फूडीज किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ सूजी और वेजिटेबल्स से हेल्दी और टेस्टी सा नाश्ता। तो उसके लिए एक कटोरी इससे ले लिया है सूजी, और इससे एक कटोरी ही दही भी ले लेंगे इसी में, और थोड़ा सा नमक डाल लेंगे अपने सूजी को। इसको रवा भी कहते हैं। इसको दही और नमक के साथ इस तरह से फेंट कर 10 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। और उसके बाद हमारे पास सब्जी है, टमाटर, शिमला मिर्च, एक प्याज, आधा गाजर, 2 मिर्च, थोड़ी सी धनिया की पत्ती। तो इन सबको अभी हम चॉपर में चॉप कर लेते हैं। 10 मिनट हो गया है, तो हमारी ये टमाटर, प्याज और धनिया की पत्ती हम यहाँ पर साथ में ही चॉप कर लिए हैं। इसको महीन महीन काटना है। अगर आप हाथ से भी काट लें तो वो भी काट सकते हैं। और ये शिमला मिर्च और ये गाजर सब इसमें डालकर अच्छे तरह से, और नमक डाल देंगे और मिला लेंगे। नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे, क्योंकि पहले जो है नमक इसमें थोड़ा सा पड़ा था, इसलिए अपने हिसाब से ही डालेंगे कि नमक का बैलेंस अच्छे से बना रहे। इन सबको हम अच्छे तरह से अब मिला लेंगे। इन सबको अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगी इसे, ये ज़्यादा सूखा सूखा सा हो गया है, तो इसमें हम पानी भी थोड़ा सा और डाल देंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे तरह से इसे मिला लेंगे। इसे हमें जैसे हम चिल्ला बनाते हैं तो बैटर होता है, उसी तरह से इसका बैटर बनाना है। इस घोल को हम चिल्ला के तरह, जैसे चिल्ला का वो बनता है बैटर घोल, उसी तरह से इस घोल को हम बना लेंगे। यहाँ पे घोल हमारा तैयार हो गया है, और इसमें तवा भी हमारा गर्म है, तो इस पर थोड़ा सा तेल डालकर इस तरह से नैपकिन से पूरे में फैला देंगे इस तरह से। और इस बैटर को एक चम्मच इस पर डालकर, बहुत पतला नहीं करेंगे, थोड़ा मोटा मोटा ही फैलाएंगे। और इसे लो फ्लेम पे ही 2 मिनट के लिए ढक देंगे। ये इस तरह से जब खोल कर देखेंगे तो ये ऊपर से ये सूख चुका होगा हमारा ये चिल्ला, तो इसमें थोड़ा सा हम किनारे किनारे से इस तरह से तेल डाल देंगे, और इसके ऊपर भी एक दो बूंद डाल देंगे इस तरह से। और इसे पकने देंगे, एक तरफ से जब पक जाएगा तब हम इसे दूसरी तरफ से पलटेंगे। जब हमारा चिल्ला ये एक तरफ से पक जाएगा तो हम इसे दूसरी तरफ से भी पलट कर इसी तरह से पका लेंगे, अच्छा सा लाल लाल सा क्रिस्प होने तक। इस तरह से पलट कर हम दोनों तरह से इसे अच्छी तरह से पका लेंगे दोनों तरफ से। अगर आप इसे नॉनस्टिक पैन पे पकाते हैं तो इसे छुड़ाने में बहुत आसानी होती है। ये हमारा दूसरा चिल्ला भी तैयार है। इसी तरह से हम अपने सारे चिल्लों को बना लेंगे। तो हमारा ये रवा और सब्जियों का हेल्दी और टेस्टी नाश्ता तैयार है। तो इसे आप हरी चटनी के साथ या फिर धनिया टमाटर की चटनी के साथ, किसी भी चटनी के साथ खाइए, आपको ये बहुत ही टेस्टी लगेगा। और ये हेल्दी भी है, क्योंकि इसमें सब्जियाँ बहुत सारी पड़ी हुई हैं। तो आप इस तरह से अपने घर बनाइए, खाइए, और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि नए नए रेसिपी के वीडियोज़ आपको मिलते रहें।